कितने रुपए का होगा उस्ताद? उस्ताद ये क्या चक्कर है यार, उस्ताद ये क्या चक्कर है? और भाई फोर का भी देखो दिया है। तो हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सारे भाई ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आज जा रहा है फिर दोबारा साइट पे, पर साइट पे जाने के बाद आज और भी कई सारे काम करने हैं मेरे को। वो क्या काम करने हैं आज आप देख रहे होंगे मेरे पीछे की ये किट टंग रही है। वैसे तो मैं झोला लटका के लेके जाता हूँ यहाँ पे, पर आज मेरे पास किट है। किट में क्या है? नए कपड़े हैं और एक जोड़ी शूज हैं, जो कि मेरे को वहाँ से रेडी होके जाना है शादी में विक्की की। 11:30 बजे भाई मशीन खड़ी कर दूंगा मैं, जाना है। मैंने परमिशन ले ली थी कल जाने के लिए, और सर को भी मैंने इनवाइट किया था। शायद सर लोग भी वहाँ पे आएंगे, जीएम साहब और साइड इंचार्ज वगैरह। तो देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं, फिलहाल अपने भी चलते हैं। टाइम हो चुका है 7:42। लियो अपना उस साइड, मम्मी इधर खड़ी हुई हैं। आके छोड़ जा, तो भाई आज ग्लव्स पहन के चलेंगे। बाइक पे जाते हुए ना सर्दी काफी लगती हाथों को। सो भाइयों, पहुंच गए हैं मशीन पे और इधर खड़ा पीछे ग्रेडर, जल्दी से करते हैं स्टार्ट इसको। और ये देखो भाई, आपको मैं दिखाऊं ना इसकी रियलिटी कैट की, देखो आप चाइना में देखो लिखा हुआ। भले यार चाइना मशीन असेंबल होती, चाइना में लिखने की क्या जरूरत है, इंग्लिश है तो यार इनफ है बस। फिर भी लेकिन देखो ये लिख रखा है यहाँ पे, एक्सप्लेन दिस टू कस्टमर प्रियर। ये देखो पता नहीं क्या कहा, इन्फोमियर सी ए डेन कुंदन। ये देखो कोई कुंदन होगा उसने मशीन बनाई है। एक कुंदन भाई का नाम लिख दिया देखो, वैसे है कुछ और लिखा हुआ, कुंदन कुंदन कुछ तो है लिखा हुआ। देखो यार एक दिन में भाई ऐसी हालत हो जाती है नीचे पूरी इसकी फ्लोर की। हाँ मैं कह रहा तुम्हारा ये टेढ़ा हो गया। वो ऐसे है, उसे ऐसे ही होता है। अच्छा तुम इसमें क्या झांक के देखते ऐसे कर रहे? देखो अच्छा ये प्लेट इधर आएगी एक साइड में, इसलिए टेढ़ी है ये लाइट है ना। ओके एक साइड में मतलब नंबर प्लेट यहाँ पे दे रहे थे तो ये लॉक था। ओके ओके देखो कितनी मशीनरी हो गई है इकट्ठी। ये लोडर उस्ताद का एक और पार्टनर आ गया, इन पे ज्यादा मेहनत पड़ रही थी तो है ना उस्ताद? सबसे ज्यादा उधर ही कटवाता था हमको। कोई बात नहीं, आज हो जा रहा है तुम्हारा पार्टनर क्या? डीजल डालने के लिए मशीन खड़ी करी है लेकिन अभी डीजल नहीं डल पा रहा। और कोरे वोरे तो नहीं लौटी कोरे हैं? कोरे वोरे लौटे तो बताना, भगवान की जैसे कोरे लौट जाती है ना। कोरे तो आई तो नहीं लौटी कोरे। उस्ताद कला या हाइड्रकल कितने रुपए का होगा उस्ताद? थोड़ा सा इसका मॉडल बढ़िया दिया है, उधर सीट बैठने वाला। ये व्हाइट लाइन सीरीज वाला है ये, वो देखो क्लासिक फिट में जबरदस्त फिट दिया। हाँ कितने फिट का है ये उस्ताद? 16 टन का है टोटल ये। ना 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 16 टन तो यहाँ से उठा सकते हैं, यहाँ से 7.8 टन और लास्ट में उस्ताद मतलब 60 टन के करीब होगा ये। रिव्यू तो कर रखा है पर हम भूल गए इसका। सही है भाई। अच्छा उस्ताद ज्यादा जैसे एक जगह खड़े होकर अगर लोड उठाना है तो जैक लगा लो, स्टेबलाइजर लगा लो आराम से, कोई चक्कर नहीं। सीट बेल्ट बहुत मस्त दिया इसका, इसका क्लास वाला बैठने वाला। अच्छा ये यहाँ पे सीट। अच्छा ये हेल्पर के लिए है ना बैठने के लिए? सही है यार बढ़िया। उस्ताद बैठिए बैठिए, इस पे गंदी हो रही रेड दो। यहाँ पे देखो पकड़ने के लिए भी दिया बकायदा ग्रैब हैंडल, कि पकड़ के बंदा बैठ जाए। उस्ताद मुझे लग रहा है इसमें ये डिफरेंशियल देते हैं, ट्रक वाला देते हैं ना ये क्राउन डिफरेंशियल। डीजल टैंक देखो कितना बड़ा दिया उस्ताद। ये क्या चक्कर है यार, ये क्या चक्कर है भाई यार? क्या हथियार बड़ा करने का? इसमें ज्वाइंट होता है, कहीं छोटा पड़ गया ना तो इसमें ज्वाइंट हो जाएगा। ये किस चीज को मतलब बड़ा करेगा ये? उसका बूम नहीं पहुंच पाया। हाँ। अच्छा 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 ठीक है, ये चरखी लगी हुई ना इसपे? हाँ उसमें चरखी की वो तार चलेगी ना। हाँ जे बात सही है, माइनस हो गया तो उसको प्लस कर लेगा। ठीक है हथियार, तुम भी यार साथ कुछ भी कुछ कुछ बनाया। हाँ तो इधर देखो क्रॉस, दो क्रॉस लगे हुए हैं भाई, 4x4 है छोटा। हाँ भाई देखो 4x4 है भाई, ऐसा नहीं है कि दो टायर ही इसके जोर लगा रहे हैं, मतलब एक एक्सल ही जोर लगा रहा है। ये देखो 2022 मॉडल है, 2022 मॉडल है भाई, ये फरीदाबाद बनते हैं भाई ये तो, है ना? सही है भाई ठीक सा भाई। ये भाई इसके देखो ORVM साइड में, ये बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। अभी हमारी मशीन में डीजल नहीं पड़ रहा है, लॉक्ड है भाई। देखो इधर से चलेगा ये, उसके लीवर्स हो गए
सामने ये देखो नीचे फोर व्हील ड्राइव टू व्हील ड्राइव वाइपर हेडलाइट की स्विच ये ऑफ करने का है भैया बटन से लाल वाले बटन से ठीक है इंडिकेटर लेफ्ट राइट स्टीयरिंग फैन का दिया है भैया देखो कितने चीप से है ना ये लिखते हैं देखो ये लिखा हुआ है ना टू व्हील ड्राइव और ये कितने चीप से लिखते हुए लिखा हुआ है। सो गाइस डीजल वगैरह डलवा के और यूरिया भी भाई डलवा लिया था कल भी डलवाया था आज भी डलवा लिया आज फुल ही करवा लिया मैंने कल फुल नहीं हुआ था मैं क्या फुल कर लेते हैं भाई फिर पता नहीं यार फुल अभी भी थोड़ा सा नीचे दिखा रहा है बार्क तो गिरने लग गया था और कल भाई ये बना दिए बेड आज ये कर रहे हैं बेड जहाँ एक्सावेटर चल रही थी कल शाम के टाइम में उसको कर लेते थोड़ा सेट वैसे एक्सावेटर काम रह गया था यार काफी ज्यादा यहाँ बेड तो जो है ना अभी थोड़ी बढ़नी थी शहरियाँ थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है तो उसको थोड़ा सीधा करना खुद ही कर देते हैं चलो कोई नहीं एक्सावेटर जा चुकी है यहाँ से भाई जल्दी जल्दी काम करके ना मेरे को यहाँ पे रोलर की चाल बनानी है फिर उसके बाद जाना है भाई शादी में भाई इस बेड पे फिनिशिंग मारी फिर भाई उससे पहले वो आगे कटिंग फिलिंग करी है काफी ज्यादा भाई टाइम हो गया 11:11 अभी मैं जा रहा हूँ कैंप ग्रेटर खड़ा करने जाना है भाई मैरिज में परमिशन मिल गई है और सीनियर्स को भी इनवाइट कर दिया है देखो आते कि नहीं आते हैं कार्ड वगैरह दे दिया था मैंने इनविटेशन। सो गाइस मैं हो गया हूँ रेडी बाल बाल तो ऐसे ही रहेंगे क्योंकि हेलमेट लगा के जाना है मेरे को ये देखो भाई शर्ट पहन ली है उस दिन खरीदी थी उस दिन मैं और सुगिर भाई ने शर्ट और पैंट ये से कुछ पैंट है ठीक ठाक सी शूज पहन लिए प्यूमा के ब्लैक वाले स्नीकर्स तो चलते हैं भाई और अपने साथ चलेंगे सेफ्टी वाले जो शरद जी है ना वो चलेंगे अपने साथ फिलहाल तो और बाकी सीनियर्स देखो कब आते हैं। तो गाइस अभी मार्केट आए थे रामपुर थोड़ा एटीएम से पैसे निकलवा रहे हैं ये शरद सर हमारे आपको दिखाता हूँ अभी बाहर आते हैं तो ये हमारे सर सेफ्टी में सेफ्टी से चलना है सर चलेंगे। गाइस हम पहुँच गए हैं अभी फिलहाल पार्किंग में हूँ मुझे बाइक खड़ी कर दिए अभी पापा को बुलाया तो स्कूटी में ना ये रखनी है जैकेट और ये हेलमेट वगैरह रखना है ना वो खड़ी अपनी स्कूटी पापा मम्मी भी आए हुए हैं ना आ गया मैं पापा आ गए टोर कट के अरे अरे स्कूटी चाबी दो जरा रखना हेलमेट मैं बस समझ गया मैं कहा ना कोई सामान रखना होना सामान इतना हो गया बंद करो इन होंदा कि नहीं हो गया हो गया सर ही इज माय फादर ऑलरेडी वो उसमें है ये सेफ्टी सुरक्षा में अच्छा हाँ कंपनी में सेफ्टी देखते हैं ये है पैलेस इसका गेट अमरदीप पैलेस में हो रही है मैरिज आज विक्की का रिसेप्शन और बारात एक ही दिन है सब हैं ज़्यादा टाइम लग भी जाएंगे थोड़ा दो तीन मिनट पापा जी कितना बड़े ने टॉर देख कटी पूरे ब्याज टॉर बितरा तेरी है सिर्फ आंटी सत श्री अकाल चलो पानी वानी हाथों धोने तो हाथों धो ले जब अभी सबसे पहले स्वीट खाई जा रही है छोटे में लगा ली आपको मॉम से मिलवाऊं शी इज माय मॉम हां ये सर ना सर सेफ्टी में है सर अच्छा अच्छा ठीक है टॉर पूरी गड्डी मम्मी आज तू है टॉर पूरी गड्डी तू सोनी लगन रही हां ना ना कोई चक्कर नहीं है ये अपना भी खा ले खा ले भाई होने पकौड़े का नंबर है भाई खाने पीने में कोई कमी नहीं है भाई इधर वो है क्या नाम है पाव भाजी डोसा चाउमीन माइक्रोनी अरे है मुरादाबादी दाल उधर टिक्की लग रही है गोलगप्पे सब कुछ क्या खाओगे बताओ क्या खाओगे मतलब जो भी खाना थोड़ा थोड़ा खाना बहुत कुछ रहेगा खाने के लिए सबसे पहले भाई दाल ट्राई करेंगे ये होती है मूंग की दाल मूंग की है मीठा वाले ना 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 मीठा नहीं है भाई बोल काफ़ी बेटर टेस्ट होता है इसका गर्म होगी थोड़ी ध्यान अपनी जिम्मेदारी के साथ सेफ्टी से सेफ्टी वाले हो ना खाने हैं पकौड़े आ गया परमजीत अपना मुंडा है नहीं खाने दाल खानी है ये भाई नहीं अरे मीठी चटनी डाली है क्या मीठी चटनी कैसा टेस्ट सही है बड़ा है ना बड़ा हाँ उस टाइप का इसमें शहद नहीं डाला है सॉस है सॉस मीठी वाले बेसिकली ना गुड़ की बनाई जाती है गुड़ की यार पूरे ब्याज तेरी और टोर है ये जग्गा भाई अपने धर्मेंद्र भाई भाई यार गुस्सा ना कर यार मेरा परा मैं एक घंटा हो गया मैंने आए यार यार गुस्सा ना कर यार तो मैं Oh, yeah.
बधाइयां बहुत बहुत So guys, we are leaving. Sir, कैसा लगा प्रोग्राम? Really honest review, please. Okay. ठीक है. So guys, I am back to job. आज बहुत ज़्यादा English हो रही है. थोड़े words पढ़ लिए थे मैंने English के. तो इसलिए भाई मैं आज English बोल रहा हूँ. भाई कृपया करके बुरा ना माने. अगर कोई word गलत कह दिया हो तो. भाई ये आ गया अपना camp. 4 बज गए भाई. 12 बजे मैं यहाँ से गया था. तो ये लॉग बुक इन्होंने निकाली थी चेक करने के लिए, डीजल वगैरह मैच करने के लिए. तो अभी मैं चल रहा हूँ गाइस ग्रेटर लेके दोबारा साइट पे. यार मैं रहने को तो वहाँ पे पूरा दिन भी रह लेता, ऐसा कोई बात नहीं थी. लेकिन यार फिर भी अब बंदा मन में तो सोचता है यार बताओ मशीन खड़ी है ये वो. यार वहाँ भी जाना ज़रूरी था. ये चीज़ें भी भाई देखनी पड़ती हैं दुनियादारी सारी. अगर ऐसे शादी में हम किसी की जाएंगे नहीं तो भाई कोई आएगा कैसे हमारी में भी. दोस्तों आ गया मैं साइड पे. सूर्यकांत भाई हमारे इधर घूम रहे हैं और ये भाई काम है थोड़ा सा, ये करना है. सीएनजी होनी है यहाँ पे. लोडर वगैरह चल चुका है, पत्थर वगैरह हट चुके हैं सारे. यही काम है भाई जो यहाँ पे करना है. ठीक है गाइस, बस इतना काम था ये कर दिया. अब इसके बाद में तो काम काफी ज्यादा आगे है. यहाँ पे नहीं है वो, 5 चैनल पे है. ये 2 चैनल शायद. और जब चलते हैं भाई कैंप मशीन लेके. इतने में भाई क्या हुआ ना, देखो अपना भी काम हो गया, इनका भी काम हो गया. तो यार दोनों तरफ का ख्याल रखना पड़ता है. और यार भाई इनवाइट तो मैंने जीएम सर को भी किया था, साइड इंचार्ज सर को भी किया था, पर आ नहीं पाए. कोई काम लग गया था अर्जेंटली. मैं पता है भाई साइड पे कितने काम रहते हैं. सीनियर लोगों को तो और ज्यादा रहते हैं, मीटिंग वर्क सब दुनिया का काम रहता है. तो भाई इसलिए आ नहीं पाए वो. बाकी चलो कोई बात नहीं. बाकी इन्वाइट तो मैंने सबको किया था, जो साइड पे अपने इनको भी किया था सबको इन्वाइट. पर यार ये भी अपनी जॉब छोड़ के नहीं जा सकते ना ऐसे. ये चीज थी भाई. तो कभी कभी मैं लेट होता हूँ तब ट्रेन मिलती है. आज यार ये 7 बजे मिल गई. तो ये लो जी भाई घर पहुंच गए. यार आज का दिन काफी ज्यादा बिजी रहा, काफी ज्यादा बिजी शेड्यूल रहा. मशीन भी सुबह चलाई, फिर वहां भी गया, 30 किलोमीटर जाना, फिर 30 किलोमीटर आना, और फिर भाई फिर आके मशीन चलाई, फिर घर पे आया. काफी ज्यादा बाइक भी चल गया. सुबह 200 रुपए का पेट्रोल डलवाया था, शाम को खत्म हो गया. भाई पता नहीं कितने की एवरेज दी है, पता नहीं पेट्रोल पंप वाले ने तेल ही कम डाला. मतलब ऐसा ना रिजर्व में लगी हुई थी बाइक, 2 दिन हो गए थे रिजर्व में चल रही थी. मतलब आना जाना हो रहा था मेरा रामपुर, यहाँ से 10 किलोमीटर रहता, फिर 10 किलोमीटर आना जाना. तो मतलब वही 40-50 किलोमीटर चल गई थी, 60 किलोमीटर मान लो रिजर्व में लगने के बाद. फिर मैंने तेल डलवाया था, यहाँ से 10 गया, 30 उधर गया, 40-30 आया वापस, 70, और फिर 10 यहाँ 80. मतलब 200 किलोमीटर में 80 किलोमीटर चली भाई, 80-90 मान लो. इतना देती है सिलेंडर भी, एवरेज भी, पेट्रोल पंप वाले का क्या दोष देना. ये भी भाई 45-50 भाई इतने का देती है, ठीक चल रही है, बस और क्या है. और भाई वो मेरे साथ जो गए थे ना शादी में, तमिलनाडु से हैं वो सर, सेफ्टी में है शरद जी. तो भाई उनको काफी अच्छा प्रोग्राम लगा, उन्होंने ऐसे पहली बार ही शादी अटेंड की है सिख फैमिली की, काफी उन्हें अच्छा लगा, ठीक लगा. मैं कह चलो बढ़िया. ऑफ कैमरा हमारी काफी ज्यादा बातें हुई. बाकी हर कोई बंदा यार कैमरे के सामने ऐसे आना नहीं चाहता ना, हर एक बंदे का अपना एक क्राइटेरिया होता है. तो किसी का प्राइवेसी ये सब चीज ठीक है, मतलब जो भी जितना दिख जाए जो भी ब्लॉग में, बस ओके भाई. तो यार सुबह को फिर चलना है, अभी टाइम बज गए हैं कितने, 8 बज गए.
वीडियो एडिट करता हूँ चालू। कैसा लगा आपको ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना भाइयों। मिलते कल नए ब्लॉग में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम। और विक्की भाई को शादी की बहुत बहुत बधाई, कि नई लाइफ जो है विक्की भाई की नई लाइफ बहुत खुशियां भरी और बहुत ही बरकत लेके आए। इसी के साथ भाई ब्लॉग एंड करते हैं, ओके बाय। और हाँ भाई, आपने इतनी वीडियो देख ली यार, आपने बताया नहीं यार आपका आज छोटा भाई कैसा लग रहा था, यानी कि मैं आज कैसा लग रहा था भाई। मतलब ठीक है यार, शर्ट और पैंट डाल रखी थी, कौन सा कोई कोट पैंट डाला था, ठीक है। स्टिल यार यही एक ही जोड़ी मेरे पास कपड़े थे, पहन के पुराने कर लिए, आने जाने वाले और कोई कपड़े हैं नहीं। बाकी एक और शादी आ रही है, उसमें फिर और नए लेने पड़ेंगे। बाकी चलो ठीक है भाई, बताना ठीक ठाक लग रहा था तुम्हारा भाई कि नहीं। बाय।